सर्कल की डेफिनेशन सिंपली क्या होती है बेटा? सर्कल एक ऐसा कर्व है जिसके जिसके हर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट सेम होता है. एक फिक्स्ड पॉइंट से हर पॉइंट का डिस्टेंस क्या रहता है? सेम रहता है. सेम रहता है. जैसे यहां से भी सेम है, 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 यहां से भी सेम है. वो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर बोलते हैं, और सर्कल के हर पॉइंट का जो डिस्टेंस सेम रहता है उसको हम सर्कल की क्या बोल देते हैं? रेडियस. ये सिंपल सी सर्कल की क्या है? डेफिनेशन. थोड़ा वापस चलते हैं और वापस चल के आपको लेके चलते हैं. आपको याद आएगा जब हमने काइनेमैटिक्स पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स में हमने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. हमने स्ट्रेट लाइन पे बॉडी को चला के पढ़ा था. फिर हमने उसके बाद टू डायमेंशनल मोशन में बॉडी को पैराबोला में चलाया. जो प्रोजेक्टाइल आपने पूरी पढ़ी थी उसमें बॉडी पैराबोला पे चल रही थी. अब उसी का ही एक्सटेंशन है. अब बॉडी पैराबोला की जगह किस पे चलना शुरू करेगी? सर्कल पे. सर्कल में. तो सबसे पहला काम जो सर्कल में करना होता है वो आपको पढ़ना है. जरा सोचिएगा, जब हमने लीनियर मोशन पढ़ना शुरू किया था, लीनियर मोशन मतलब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, हमने बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए थे वहां पे. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब डिफाइन किया था. हाँ सर. यही सर. सारे पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे हम सर्कुलर मोशन के लिए भी. सो द फर्स्ट थिंग इज काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. मम्मी अरे कौन है बेटा, मम्मी को याद कर रहा है. काइनेमैटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. देखो बेटा, मान लो ये एक सर्कल है, सबसे पहली टर्म डिस्प्लेसमेंट याद है आपको? यस सर. डिस्प्लेसमेंट याद है कि नहीं याद है? याद है सर. फाइनल पोजीशन. तो बेटा समझना, जब लीनियर मोशन होता है और आप क्या करेंगे, शुरुआत से ही मैं बता दे रहा हूं, जैसे जैसे मैं चीजें बताता चला जाऊंगा आप अपने दिमाग में एनालॉजी डेवलप करते चले जाइएगा कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या रिलेशन होता है. धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी काइनेमैटिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ चीजों को कहां बदलना है वो समझना. देखो, मान लो बॉडी सर्कल पे घूम रही है और मैंने बोला टी बराबर जीरो पे यहां थी पॉइंट ए पर, और टी बराबर टाइम टी किसी भी जनरल टाइम टी पे वो पॉइंट बी पे आ गई है. कोई दिक्कत? नो. जिस प्रकार से हम लोग लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, उसी प्रकार से सर्कुलर मोशन में हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा. मैं बोलूंगा कि मेरी बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गई है, इसका मतलब ऑन दिस सर्कल यहां से यहां तक इतना एंगल घूम के चली गई है थीटा, यही थीटा कहलाएगा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो बताइए पूरे सर्कल का क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? पूरे सर्कल का 360 डिग्री. या फिर अगर मैथ्स पढ़ा है तो 2 पाई रेडियस पढ़ा है. यस सर. ठीक है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी? एंगल की क्या यूनिट है? रेडियंस में आप इसको मेजर करेंगे. तो जैसे लीनियर मोशन में अपन क्या लिखते थे, जल्दी बताओ. मीटर्स. लीनियर मोशन में अपन क्या लिखते थे? लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते थे कि नहीं लेते थे? यस सर. यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे बेटा? अब एक बात बताना सोच के बताओ, ये बात चमकती है कि नहीं? अगर मुझसे कोई कहे कि मेरी बॉडी ए से चल के बी पे पहुंची है, तो ये जो वेक्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड फिनिशिंग एट बी,
दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या दिस इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट. ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा क्या डिनोट कर रहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. शाबाश. अगली टर्म. अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ. वी विल कम बैक टू दिस. इसके बारे में हम डिटेल्ड पीएचडी करेंगे. एक बात बताइए, जब हमने लीनियर मोशन पढ़ा था तो हमने एक टर्म डिफाइन की थी, वेलोसिटी. याद है आपको? हाँ सर. यस सर. क्या समझते थे आप वेलोसिटी से? डेफिनेशन मत बताना मुझे. पर्टिकुलर डायरेक्शन. मुझे ये बताना वेलोसिटी बताती क्या थी? स्पीड इन डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. वेलोसिटी बेटा ये बताती थी कि पर यूनिट टाइम बॉडी कितना डिस्प्लेस हो रही है. यस सर. अरे यूनिट टाइम में बॉडी कितनी दूरी चल रही है, वही वेलोसिटी बताती थी कि नहीं बताती थी? हां सर, वही बताती थी. हां सर. इन अ गिवन डायरेक्शन. और अगर आप उसमें से डायरेक्शन वाली टर्म हटा लेते थे तो उसी वेलोसिटी को अपन स्पीड बोल देते थे. याद आ रहा है कि नहीं? यस सर. यूनिट टाइम में बॉडी ने कितनी दूरी चली इन अ गिवन डायरेक्शन, वो क्या कहलाती थी उसकी? वेलोसिटी. वेलोसिटी. तो अब उसी की जगह हम जो टर्म डिफाइन करने जा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा है बेटा. ओमेगा. 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 क्या है ये? ओमेगा. अब सुनना बहुत ध्यान से. जिस प्रकार से लीनियर वेलोसिटी बताती है कि यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला, उसी प्रकार से एंगुलर वेलोसिटी बताएगी कि यूनिट टाइम में बॉडी ने सर्कल पे कितना एंगल घूमा. ये बात समझ में आई? यस सर. यस सर. एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम. क्योंकि बॉडी घूम रही है ना. बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती है? हाँ सर. आप बताइए, क्या मैं टेक्निकली ये बोल सकता हूँ दैट इट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम? यस सर. यस सर. यस. बॉडी कितना एंगल घूम रहा है तो अपन बोलेंगे इट गिव्स एन आइडिया ऑफ. इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एंगल रोटेटेड पर एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम. टाइम थोड़ा सोच के बताना, आराम से सुनना, अपने कॉन्सेप्ट्स बनाओ पहले. कितने लोगों को समझ में आता है यूनिट इसकी रेडियन पर सेकंड? यस सर. रेडियन पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितना रेडियन घूम रही है बॉडी. पक्की बात है? पक्की बात है सर. यस सर. चलिए अब फिजिकल लाइफ में बयान करना शुरू करिए. बताइए, हमने बोला कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. क्या समझते हैं आप इस टर्म से? कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट ऑफ रेडियस कवर्ड इन इक्वल अमाउंट ऑफ सेकंड्स. यस. मतलब आप बोलोगे इक्वल टाइम में बॉडी इक्वल एंगल घूम रही है. मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर. यस सर. यानी कि अगर वो पहले सेकंड में 10 रेडियन घूमी तो अगले सेकंड में कितना घूमेगी? 10 रेडियन. उसके अगले सेकंड में कितना घूमेगी? 10. उसके अगले सेकंड में कितना घूमेगी? 10. ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? यस सर. यस सर. यस सर. सुनना, ध्यान से सुनना. अब मैं एक ऐसा मोशन बोल रहा हूँ कि मेरी बॉडी सर्कल पे घूम रही है, पहले सेकंड में 1 रेडियन घूमी, अगले सेकंड में 2 रेडियन घूमी, उसके अगले सेकंड में 3 रेडियन घूमी, उसके अगले सेकंड में 4 रेडियन घूमी, तो ये यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रहा है कि ओमेगा बढ़ रहा है इसका? Because the angle rotated per unit time is increasing. Are you able to understand this or not? Yes, sir. Sir, 360 के बाद दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा ना? हाँ, तो सर मतलब हम नेट एंगल लेंगे या फिर मतलब टोटल लेते हैं? टोटल. एक रोटेशन होगा. हाँ, अब सुनो ध्यान से. एक बॉडी है वो पहले सेकंड में 10 रेडियन घूमी, अगले सेकंड में 8 रेडियन घूमी, अगले सेकंड में 7 रेडियन घूमी, अगले सेकंड में 4 रेडियन घूमी, अगले सेकंड में 3 रेडियन घूमी. इसमें क्या समझ में आता है? वेलोसिटी एक्सेलरेशन. एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है? घट रही है. घट रही है. इतनी बात की फील आई कि नहीं आई? सर. एक बात सुनना, रियल लाइफ सिचुएशन समझो. आप लोगों ने सपने अपने अपने घर में पंखा देखा है? यस सर. हां सर.
जब आप पंखे का स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही आप ऑन करते हैं आपका पंखा धीरे धीरे स्पीड पकड़ना शुरू करता है, देखा है? घूमता है नहीं घूमता है? शुरुआत में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होती है, कम होती है शुरुआत में, जीरो होती है, जीरो जीरो बिल्कुल। एक मिनट, जब तुमने स्विच ऑन करा वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? जीरो जीरो। लेकिन धीरे धीरे वहां से बढ़ती है ना एंगुलर वेलोसिटी, पंखा से बढ़ती है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। एंगुलर वेलोसिटी हमेशा के लिए बढ़ती चली जाती है कि थोड़े टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है? सोच के देखो, पंखा पर्टिकुलर स्पीड गेन करके उसके बाद एक पर्टिकुलर स्पीड से घूमता रहता है, हाँ या ना? आप सोच, ये इमेजिन कर पा रहा है? जैसे ही मैंने जाके स्विच बंद किया, अब उसकी एंगुलर वेलोसिटी घटते 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 जीरो हो जाती है। एंगुलर वेलोसिटी का फील समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एंगुलर वेलोसिटी बता रही है, जैसे लीनियर वेलोसिटी में लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, वैसे सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, की एंगुलर रोटेटेड पर यूनिट सेकंड टाइम, यूनिट टाइम बॉडी कितना एंगल घूम रही है? Is it angular displacement or angle rotation? Angular displacement ki angular rotation, so, but then, angular displacement. No, but then if it rotates, suppose 3 radians, then its angular displacement will be 1 radian. Kya? No. Suppose if it rotates 3 pi radians. Haan. Okay, then its angular displacement is actually 1 pi radian. Nahin, so the angular displacement is the total angle rotated. Achha. Okay. So, total angle rotated. See the definition. It is so, the angle rotated. हाँ बोलिए. हाँ. Sir, but if we obey the law of displacement, if it rotates 2 pi, means if it तो वो zero हो जाना. तो वो zero होगा. वो zero हो जाना चाहिए. यही तो कहना चाह रहे हो? Yes. हाँ बेटा, वैसा नहीं होता यहाँ. क्यों नहीं होता? वो भी आगे समझाएंगे. Angular displacement. आप सुनो ध्यान से. इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो. अभी आगे बताऊंगा मैं. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में वर्ड क्या आ रहा है? एंगल. एंगल डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर. यस सर. तो तुम्हारा दिमाग तुमसे क्या कह रहा होगा कि ये कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए? वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी. हां, सेकंड लेक्चर में डिटेल में समझाएंगे. वेक्टर नहीं होता ये. ओके यस. जो बता रहे हैं उतना सुनो. अभी जितना टोटल एंगल घूमोगे वो टोटल एंगल क्या कहलाएगा भाई तुम्हारा? Angular displacement. Angle rotated. इसलिए मैंने definition में लिखा हुआ है angle rotated in any given time. क्या मैंने अभी theta के direction की बात करी? बताओ. No sir. तो vector quantity होता तो हम उसके direction की बात करते ना? हाँ sir. हालांकि आगे जाके हम करेंगे direction की बात, but वो second lecture में बात करेंगे. अभी आप जितना बता रहे हैं उतना समझिए. Angular velocity ये बताती है कि कितना angle rotated है per unit time. तो अगर मैं बोलता हूँ कांस्टेंट ओमेगा, तो आप क्या समझते हैं इस बात से? मतलब सेम रेट से एंगल घूम रहा है. जितना पहले सेकंड में घूमेगा उतना अगले सेकंड में घूमेगा, उतना अगले में घूमेगा. सही बात है? यस सर. फ्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी का मतलब पहले सेकंड में जितना घूमा दूसरे में उससे ज्यादा, तीसरे में उससे ज्यादा, चौथे में उससे ज्यादा, है कि नहीं? यस सर. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. Sir, increasing velocity means it will increase at the same rate, na? मैंने तो ऐसा नहीं बोला. It will increase at the same rate. Increasing मतलब किसी भी rate से क्या कर रहा हो? बढ़ रहा हो. बढ़ रहा हो. हाँ भैया. Angular velocity में क्या लिखा है मैंने? It is a vector quantity. It is a vector quantity. This is a vector quantity. Now, dude, इधर देखिए figure में. T बराबर zero पे मेरी body कहाँ थी? A position पे. T बराबर T पे कहाँ आई? B पे. तो आप बता सकते हैं आपने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. चलो भैया, एक काम करो, अपना अपना राइट हैंड बाहर निकाल लो. निकाल लिया? हाँ सर. थीटा के सेंस में अपना राइट हैंड घुमा दो, राइट हैंड की उंगलियां. तो अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो अपने राइट हैंड की उंगलियां भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दो. घुमा दिया? यस सर. थंब किधर आया? थंब कैसे निकालते हैं ओमेगा वेक्टर? थीटा जो होता है उस थीटा के सेंस में राइट हैंड को घुमाया जाता है. जो आपके थंब की डायरेक्शन होती है वो क्या हो जाती है?
जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसको ऐसे समझिए, अगर मैं इसी सर्कल पे मान लो ऐसा होता कि मैं बोल रहा होता कि t बराबर जीरो पे मेरी बॉडी यहाँ पे मौजूद है पॉइंट ए पर, और t पर मेरी बॉडी कहाँ मौजूद है, इस पर पॉइंट बी पर, तो अब क्या लगता है ये बॉडी क्लॉकवाइज घूम रही है कि नहीं घूम रही है, मानते हो? हाँ सर। तो आप जरा थीटा के सेंस में अपनी राइट हैंड की उंगलियां घुमाओ, थंब ऊपर आ रहा है कि थंब अंदर आ रहा है? तो ओमेगा वेक्टर क्या हो जाएगा इस केस में? Into the plane. ओमेगा की डायरेक्शन लेनी समझ में आ गई? ऐसे देखो तो मतलब जितने बार भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है आउट ऑफ द प्लेन ही रहेगा, और क्लॉकवाइज। हाँ बेटा जब एंटी क्लॉक, हाँ बिल्कुल याद भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो आउट ऑफ द प्लेन होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा तो इनटू द प्लेन होगा, इसके अलावा और कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ आ रही बात? यस सर। हाँ प्लीज आस्क। थीटा हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल होगा ना? हां छोटू, थीटा हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल होगा ना? हाँ जी। सर कहते हैं इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, नहीं तुम्हें into the plane out of the plane नहीं समझ में आया अभी तक? I mean like, so I got everything else, get that as a direction, how is it into the plane? You know, make बेटा theta कैसा है? Anti-clockwise है? Yes. तो अपने right hand की fingers anti-clockwise घुमाओ जरा. In sense. Like. हाँ जी. अबे right hand की fingers ऐसे घुमाओ, तो thumb ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Thumb हमारी तरफ आ रहा है ना? हाँ तुम्हारी तरफ आ रहा है ना, मतलब आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझे नहीं समझे? नहीं सर नहीं समझे। नहीं समझे सर। अरे सो व्हाट यू डू इज इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर यू कीप दैट। अच्छा बताओ, चलो इधर सुनो, क्रॉस प्रोडक्ट याद है? अरे क्रॉस प्रोडक्ट याद है? यस। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट याद है कि भूल गए हो? यस सर याद है सर। याद है। हां ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घूम जाओ जरा राइट हैंड से, बताओ थंब किधर आया? सर हमें मुझे तब भी नहीं आया, हमारे अपोजिट जा रहा है। अप्लाई द स्क्रू रूल। अरे यार ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाओगे तो किधर आ रहा है थंब? समवन सर, सर किसी को समझा होगा तो उसको वीडियो ऑन करके करने को बोलो ना। अरे इधर देखो यार, राइट हैंड देखा है सबने अपना? राइट हैंड देखा है तुम सबने अपना? हां सर। Yes, sir. ये क्या है तुम्हारा? राइट हैंड पक्की बात है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बार में समझना इस फिगर से, अपना राइट हैंड ऐसे रखो, रख पाए अपना राइट हैंड? Yes, sir. चलो थीटा कैसा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तुम्हारी फिंगर देखो ऐसे घूमेंगी, ऐसे घूम के तुम अपनी मुट्ठी बंद कर पाओगे नहीं कर पाओगे? घुमा के देखो अपना राइट हैंड। Yes, sir. दिखा? Yes, sir. तो थंब किधर है? Where is the thumb pointing? Up out of the plane. Out of the plane. तो वो जो out of the plane thumb आ रहा है बेटा, वही किसकी direction है? Anti-clockwise. Angular velocity. ये बात समझ नहीं आती कि नहीं आती? Yes. या screw rule से भी समझ सकते हैं? Screw rule याद है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। स्क्रू रूल मतलब अगर ए से बी की तरफ स्क्रू लेके जाएंगे तो स्क्रू क्या होगा, अंदर की तरफ टाइट होगा कि बाहर की तरफ खुल जाएगा? खुल जाएगा, बाहर आएगा। तो बाहर की तरफ ओमेगा वेक्टर आ जाएगा, ये सिखाया था ना आपको? यस सर। अब दूसरे वाले एग्जांपल में देखिए, जब आप ए से बी आ रहे हैं तो स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाइए, तो जब आप स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर आएगा कि अंदर की तरफ टाइट हो जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा, तो वो ओमेगा वेक्टर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है? यस आ गई। चलो अब एक बात सुनो ध्यान से, अभी तो ओमेगा में बहुत कुछ समझना है बेटा तुमको। मान लो एक सर्कल बनाता हूँ मैं। हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो। सर जो डिस्टेंस कवर्ड ऑन द सर्कल है वो तो मैक्स के फॉर्मूले से लगा के उसे निकालेंगे ना? हाँ वो भी हम करवाएंगे, सब करवाएंगे बेटा, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे हम सर्कल का। बट धीरे धीरे, सर्कल मोशन में ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए एक एक चीज सुनते रहो। ये सर्कल दिख रहा है आप सबको? यस सर। हाँ सर। मैंने बोला टी बराबर टी वन पे हम यहाँ थे, कहाँ थे, किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे। ए पॉइंट। टी बराबर टी टू पे हम कहाँ थे? पॉइंट बी पे। पॉइंट बी। पॉइंट बी पे। चलिए एक काम करते हैं, और इसको चित्र की खूबसूरती को और बढ़ाते हुए, यहाँ थे और यहाँ थे,
मान लेते हैं t बराबर t1 पे ये कितना एंगल था थीटा 1 और ये कितना था थीटा 2। आप a पॉइंट से घूम के b पॉइंट पे चले गए हैं, ऐसे करके घूम के आप चले गए हैं, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। कितना एंगल रोटेट किया है आपने? सोच के बताइए, रियलिटी की बात करते हैं, क्या ऐसा जरूरी है कि आप यूनिफॉर्म ओमेगा से ही घूम के गए हो? नो सर। मतलब क्या ऐसा जरूरी है कि इस जर्नी में आपने इक्वल इंटरवल में इक्वल एंगल ही चलाओ? नो सर। या ऐसा हो सकता है अनइक्वल एंगल्स भी चले हो? हो सकता है एक सेकंड बाद तुम यहाँ हो, अगले सेकंड बाद तुम यहाँ हो, अगले सेकंड बाद तुम यही हो, अगले सेकंड बाद तुम यहाँ हो, देख रहे हो अलग अलग एंगल घूम रहे हैं? और विजुलाइज कराऊं क्या? ये देखो तो तुम्हें दिख रहा होगा पहले सेकंड में तुम सिर्फ इतना एंगल घूमे, अगले सेकंड में बड़ा एंगल घूमे, उसके अगले सेकंड में छोटा घूमे, उसके अगले सेकंड में बड़ा घूमे, देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो? देख पा रहे हैं। तो क्या दिख रहा है तुम्हारा? ओमेगा कॉन्स्टेंट है कि ओमेगा वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है। और अगर अपन कॉन्स्टेंट ओमेगा से घूम रहे होते तो क्या हो रहा होता? सोच के बता। पहले सेकंड में घूमते उतना ही एंगल सेकंड एंगल में घूमते, उतना ही एंगल थर्ड सेकंड में घूमते, उतना ही फोर्थ में घूमते, ये बात चमकती है कि नहीं चमकती है? चमकती है सर। सबको अभी ओमेगा का फील आ चुका है कि नहीं? लो भैया आप सुनो ध्यान से, अगर बेटा ए से बी तक घूमो, अब तुम लीनियर मोशन को याद करना तो तुमको धीरे धीरे चीजें कनेक्ट होनी शुरू होंगी। ए से बी तक घूम के गए, मैंने तुमसे पूछा कितनी एंगुलर स्पीड से घूम के आए हो, क्या जवाब दोगे? कोई है जवाब तुम्हारे पास? थीटा 2 माइनस थीटा 1। लीनियर मोशन से याद करिए, जब हमें कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू पता ही नहीं है तो याद है उसमें हम एवरेज निकाल देते थे, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। हां सर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। v प्लस u / t। काइनेमेटिक्स में एग्जांपल लिया था कि हम अपने घर से मॉल तक जाते हैं, याद आ रहा है? यस सर, याद आ रहा है। जब मॉल पहुंचेंगे और हमारा दोस्त हमसे पूछेगा कितनी स्पीड से चल के आए हो, तो हम क्या बताएंगे उसे? कोई एक स्पीड बता पाएंगे? हम क्या बताएंगे उसे? एवरेज स्पीड बताएंगे, भैया ये मेरी एवरेज स्पीड थी। क्या तुमको बात चमकी कि नहीं चमकी? चमकी सर। चमकी सर। इसका मतलब हम पहली चीज डिफाइन करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। सोच के बताइए, बिल्कुल लीनियर मोशन से रिलेट करिए, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यस, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्या ये बात चमकी नहीं चमकी आपको? चमकी सर। व्हाट इज द टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? किसी प्रकार की कोई दिक्कत? एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ से जो ओमेगा निकल के आएगा ये ओमेगा आपकी पूरी जर्नी के लिए वैलिड है? हर टाइम आपका यही ओमेगा है? जरूरी नहीं है। बी तक सोच के बताओ, ए से बी तक आप हमेशा इसी ओमेगा से चल रहे हैं? नहीं नहीं सर। नो सर। कहीं पे आप इससे ज्यादा ओमेगा भी रख सकते हैं, कहीं पे आप इससे कम भी रख सकते हैं। ये बेटा पूरी जर्नी का क्या है? एवरेज ओमेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लीनियर मोशन से रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? कर पा रहे। चलो बेटा अगली टर्म देखो, आज तो तुम सिर्फ सर्कल का पोस्टमार्टम करो बैठ के, सर्कल में क्या क्या हो रहा होता है। छोटू क्या कह रहे हो? प्रीवियस स्लाइड सर। प्रीवियस स्लाइड अभी देखते जाओ, पहले ये तो देखो। एक तो ये बार बार सर्कल बनाना बड़ा मुश्किल काम है यार। ये मेरी जिंदगी का सपना है, पता है तुम्हें ये बात? फ्री हैंड परफेक्ट सर्कल बनाना। सर वो वीडियो में बनाते हैं कुछ टीचर? हाँ मैंने देखा था, एक बंदे ने बनाया था। हमने एक टर्म डिफाइन करी, जैसे हमने लीनियर मोशन में डिफाइन की थी वैसे हम यहाँ क्या डिफाइन कर सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, सुनना ध्यान से, इंस्टेंटेनियस का क्या मतलब है कि मैं पूरी जर्नी से इंटरेस्टेड हूँ कि मैं एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में इंटरेस्टेड हूँ, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो आप अपने दिमाग में एक बेसिक प्रमाइस ऐसे बनाइए कि एक बॉडी सर्कल पे घूम रही है और उसका ओमेगा कांस्टेंट है। आप सोच के बताओ, अगर ओमेगा कांस्टेंट ही है पूरी जर्नी में तो फिर इंस्टेंटेनियस की बात करने का कोई सेंस बनता है? नहीं सर। इंस्टेंटेनियस की बात करने का सेंस कब बनता है? जब ओमेगा हर इंस्टेंट पे क्या होगी, अलग अलग होगी। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? तो हमने कहा भैया किसी टाइम टी बराबर टी पर, किसी टाइम टी बराबर टी पर हम यहाँ मौजूद है। कहाँ मौजूद है, किस पॉइंट पे? पॉइंट ए पे, पॉइंट ए। हमको यहाँ ओमेगा बताओ, यहाँ क्या ओमेगा है, मतलब इस इंस्टेंट पे बॉडी किस रेट से एंगल कवर कर रही है। ना मुझे इससे पहले से मतलब है, ना मुझे इसके बाद से मतलब, मतलब है। मुझे तो ये बताओ इस इंस्टेंट पे बॉडी का रेट क्या है एंगल कवर करने का। क्या ये बात समझ में आती है? इंस्टेंटेनियस से हम क्या करने जा रहे हैं? कॉमन सेंस लगाते हैं हम। क्या करेंगे हम यहाँ पे जाके सोच के बताइए, क्योंकि ओमेगा लगातार चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। काइनेमेटिक्स में क्या सिखाया गया था तुम्हें, कितने इंटरवल के लिए तुम ओमेगा को ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हो? नहीं, एक बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए ओमेगा को कांस्टेंट मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं। ये बिल्कुल वही वाली बात है, समझो, एक बिल्कुल वही वाली बात है। जो टी बराबर 1 सेकंड पे ओमेगा है, वही ओमेगा टी बराबर 1.00001 पे भी मानी जा सकती है कि नहीं? मान जा सकती है। यस सर। ये सिखाया था कि नहीं सिखाया था? सिखाया था। तो बेटा ये अगर टी बराबर टी है तो अगला टाइम तुम क्या चूज करोगे? टी बराबर टी प्लस डी टी। अब मैंने इंटरवल बहुत बड़ा लिया है कि बहुत छोटा लिया है? बहुत छोटा लिया, छोटा लिया। और इस छोटे से इंटरवल के लिए क्या माना है मैंने, ओमेगा वेरिएबल है कि ओमेगा कांस्टेंट है? कांस्टेंट लाइन। अगला सवाल देखो, इस छोटे से टाइम में जो एंगल मैंने घुमा होगा बहुत बड़ा एंगल होगा? नहीं सर। छोटा सा एंगल होगा उसे क्या बोलना चाहिए मुझे? डी थीटा। तो अब बेटा अगर मैं ओमेगा की डेफिनेशन से जाऊं तो व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? डी थीटा। व्हाट इज द टाइम? टी प्लस, सॉरी डी टी। तो ओमेगा कितना आ गया? डी थीटा बाय डी टी। थोड़ा और दिमाग लगाओ बेटा, क्या तुमको दिख रहा है दिस इज एन एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ लीनियर रिलेशनशिप्स? यस सर। यस सर। क्या था लीनियर रिलेशनशिप में क्या पढ़ाया गया था आपको? v बराबर क्या पढ़ाया गया था? dx by dt। अब यहां से समझिए कैसे एनालॉजी लगाते हैं। x था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट किस में चेंज हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। v थी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी किस में चेंज हो गई? एंगुलर वेलोसिटी। कुछ समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहे हो? आ रहे सर। ये जो ओमेगा हमने लिखा है डी थीटा बाई डी टी, ये बेटा पूरी जर्नी का ओमेगा है या एट दिस इंस्टेंट टी बराबर टी ओमेगा है? टी बराबर टी पे ओमेगा। सो दिस इज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। कोई समस्या? नहीं सर। बहुत ही अच्छी बात है। काइनेमेटिक्स समझ में आ रही है ना यार? काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हो ना वंडी की? हां सर। हां सर। यस सर। सेम क्या फंडे डिफरेंट है या सेम ही फंडे हैं? सोच के बता। सेम ही फंडे, भाई नाम अलग अलग है बस, सिर्फ एंगुलर वर्ड साथ में आता रहेगा। हर चीज के पीछे एक एंगुलर वर्ड दहेज में लगा देंगे। बोलो बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर। चलो इधर देखो, अब जिस प्रकार से स्लाइड दिखाओ ना सर। हाँ देखो बेटा लास्ट स्लाइड, ये लो, देख लिया? नहीं सर, उसके पहले वाला। उसके पहले वाला दिखाऊं? लो उसके पहले वाला देखो। देख लिया सर? सर मुझे मतलब ऐसे डाउट आया सर, पूछूं क्या? हाँ बोलो बेटा। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड पे जाएंगे? प्रीवियस स्लाइड पे चलेगा, ये लो। हाँ तो सर जो आपने हाइलाइटेड किया हुआ, ये तो डिस्टेंस सर, ये तो मीटर्स में होगा ना सर? बेटा तो मैंने कहा डिस्टेंस, मैं तो एंगल निकाला है ना, वो तो मैंने एरो ये दिखाया है कि यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है। हाँ ये डिस्टेंस मीटर में होगा, ए से बी तक का डिस्टेंस निकालने के लिए बोल सकता है ना? हाँ तो आगे बताएंगे ना निकाल कैसे निकालते हैं, मैं मना कर रहा हूँ। थीटा धीरे धीरे करके पढ़ोगे ना बेटा, और अगर सेक्टर पढ़ा हुआ है मैथ्स में तो r into theta कर दोगे तो आ जाएगा ना? यस सर, आ जाएगा। यस सर, सेक्टर पढ़ना। मैथ्स पढ़ी है, r के इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस होता है। यस सर, r theta होता है। काय परेशान हो भाई, बोलो आगे बढ़े। यस सर।
हाँ पूछ लो जो दिक्कत है यही पूछ लो, क्योंकि अगला टर्म कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। बोलो अगला बताओ। सर अगर यूनिफॉर्म है एंगुलर वेलोसिटी तो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी और डी थीटा बाय डी टी सेम होगा ना? एग्जैक्टली, कॉमन सेंस की बात है। परफेक्ट। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ आर्क? हां जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर आर्क? वी डिडंट डू दैट। एंगल इनटू रेडियस। थीटा आर मैथ्स में पढ़ा होगा ना? थीटा ऑन रेडियंस इट इज थीटा। चलिए एक बार इधर देखिए, जिस प्रकार से बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का तुमने क्या बनाया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी का तुमने क्या बनाया? एंगुलर वेलोसिटी। तो अपने दिल से पूछो, लीनियर एक्सेलरेशन का तुम्हें क्या बनाना चाहिए? एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो, बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस आती है सर। अब बेटा ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें हवा नहीं लगेगी नहीं तो ऊपर से चला जाएगा सब कुछ। और अगर तुम्हें एक बार में हवा लग गई, इसका मतलब ये है कि तुमने शुरुआत से सारी चीजें वाकई में अच्छे से सुनी है। इसका सिंबल होता है अल्फा। लेट्स ट्राई टू रिलेटेड विद द लीनियर मोशन। हम बोलते हैं एक्सेलरेशन तब होता था जब वेलोसिटी चेंज हो रही होती थी। सही बात है? Yes, sir. इसी पूरे स्टेटमेंट को सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर दो, तो अब तुम्हारा स्टेटमेंट क्या बनेगा? एंगुलर एक्सेलरेशन तब होगा जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी। नहीं आई बात? अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? क्या है बॉडी के पास? एंगुलर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है। और अगर एंगुलर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, इसका क्या मतलब है? एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। इसका क्या बताओगे? इट गिव्स एन आइडिया ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम। एंगुलर वेलोसिटी, जब मैंने रेट लिख दिया तो एंगुलर वेलोसिटी ओवर टाइम ही हो गया ना उसका मतलब? नहीं हाँ सर। यानी कि ये आपको बताता है कि एंगुलर वेलोसिटी किस रेट से क्या कर रही है? चेंज हो रही है। तो पहले तो ये समझिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन होगा कब? बॉडी के पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा कब? कब आप बोल पाओगे कि बॉडी एंगुलरली एक्सेलरेटेड है? जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही होगी? चेंज होती रह रही है। चेंज हो रही होगी। बोलो, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। अब मेरी बात सुनना और इस चीज को रिलेट करो। हमने लीनियर मोशन में एक टर्म यूज किया था एक्सेलरेशन, एक टर्म यूज किया था रिटार्डेशन, याद है? यस सर। बिल्कुल सिंपल भाषा में एक्सेलरेशन का मतलब होता था जहां वेलोसिटी बढ़ती थी उसको एक्सेलरेशन बोल देते थे, जहां घटती थी टाइम के साथ उसे क्या बोल देते थे? रिटार्डेशन। सो कॉमन सेंस बताइए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर रिटार्डेशन? पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन अलग होगा। अगर ओमेगा बढ़ रहा है, ओमेगा बढ़ने का क्या मतलब है? वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तो कैसा मोशन? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। पक्की बात है कि नहीं? पक्की बात है। हाँ, yes, sir. और अगर ओमेगा क्या कर रही है? घट रहा है तो क्या बोलोगे? एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी घट रहा है तो दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन? Negative angular acceleration. Negative angular retardation. What is negative angular acceleration? Angular retardation. तो ये पढ़ाया था ना मैंने कि retardation is nothing but negative acceleration only. Yes sir. बोलो, चीजों को relate कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? Yes sir. जो angular acceleration है वो भी circle में ही लगेगा ना? हाँ बेटा, angular word use किया ना मैंने। तो सर अगर हम सिर्फ acceleration बोलते मत वो perpendicular जाएगा। हाँ तो बेटा आप चीज समझो, अब तक तुम जब काइनेमेटिक्स पढ़ते थे तो हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन बोल देते थे कि नहीं बोल देते थे? Yes. आज के बाद बेटा इन शब्दों को इस्तेमाल करते टाइम आपको पीछे वर्ड लगाना पड़ेगा कि यू आर टॉकिंग अबाउट लीनियर एक्सेलरेशन और यू आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों चीजें सेम है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। अलग अलग लीनियर पैरामीटर्स को डिफाइन करती है, एंगुलर पैरामीटर्स को डिफाइन करती है। ये बात समझ में आती है? एक बार फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब समझ में आता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जाते इंक्रीज हो रहा है। सिंपल भाषा में बताओ ना यार कि ओमेगा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। किसके साथ?
टाइम के साथ मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर मानते हैं सर. चलो सोच के बताओ. अच्छा अगर एंगुलर वेलोसिटी कम हो रहा है तो ये बात समझ में आती है? चलिए एक बार जरा इधर देखिए. मैं बिल्कुल जब तक मैं कंफर्म नहीं हो जाऊंगा तब तक अपन आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा. तब तक एंगुलर एक्सेलरेशन की फील नहीं जाएगी. हाँ बेटा अभी समझाते हैं. अभी समझाते हैं बेटा. हाँ बोलो बेटा बोलो बोलो. न्यूटन गिव्स एन आइडिया ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. लाइक इज देयर एनीथिंग मोर देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी लाइक यू हैव रिटन इट दिस वे सो लाइक हाँ, it gives an idea of rate of change of angular velocity. कि angular velocity किस rate से क्या कर रही है? Yeah, that means is it? You said it gives an idea. So is it little more than just that? नहीं, बस ये it is just that. Yeah. Okay, see here, everybody. मैं आपको figure दिखाता हूँ. Figure से idea लीजिए. देखो इधर. क्या लग रहा है इस फिगर को देख के? एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट. हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट. आप मुझे सवालों का जवाब दो. अपने आप तुमको चीजें चमकेंगी. पहला स्टेटमेंट, ये बॉडी यूनिफॉर्म ओमेगा से घूम रही है? नो सर. नो सर. क्या पहले जितना एंगल पहले सेकंड में घुमा है उतना ही दूसरे में भी घुमा है? नो सर. एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है. तो क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे ओमेगा क्या कर रहा है इसका? ओमेगा इंक्रीज करने का मतलब क्या है इसके पास? एंगुलर एक्सेलरेशन है. अब फिगर से चमका नहीं चमका? फिगर से एंगुलर एक्सेलरेशन क्या मतलब है? चलो अगली फिगर देखो. इससे बिल्कुल क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी. ये रहा सर्कल. टी बराबर जीरो पे हम यहां थे. यहीं से शुरुआत कर लेते हैं. व्हाट द वुड द यू लाइक टू से? यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन. बिल्कुल सही बात है. तो दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर रिटार्डेशन. या तुम ऐसे भी बोल सकते हो, इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ अल्फा कैसा है? पॉजिटिव है और वहाँ पर अल्फा नेगेटिव है. और यहाँ अल्फा कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव. बताओ अब चमक रहा है? अभी नहीं चमक रहा है. चमक रहा है. चमक रहा है. सब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? मतलब एक्सिस कैसे लिया? अबे बेकूफ, जैसे लीनियर मोशन में जब वेलोसिटी बढ़ती थी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव लेते थे. हाँ सर वो तो विद द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. हाँ तो सेम या कन्वेंशन है कि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव मतलब ओमेगा बढ़ रहा है और नेगेटिव मतलब ओमेगा मुझे कैसे पता कि सेम रेट से घट रहा है? हो सकता है डिफरेंट रेट से घट रहा हो. नहीं सर पर थीटा तो सेम. अरे अभी तुम पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर मत पड़ो यार, भूल जाओ उसको. चलो एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया? यस सर. यस सर. हाँ पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब भी आगे दिखाएंगे, मतलब साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे. इधर देखिए ऐसा है. टी बराबर जीरो, टी बराबर वन, टी बराबर टू, टी बराबर थ्री, टी बराबर फोर. लेट मी ड्रॉ द फिगर प्रॉपरली.
क्या कह रहा है दिल आपका? ओमेगा पे कमेंट करिए, ओमेगा इज यूनिफॉर्म, ओमेगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो अल्फा जीरो जीरो, क्या कोई एक्सेलरेशन है इसके पास? नो सर, नो सर, बोलो अब भी नहीं चमका क्या? चमक गया सर, चमका, तो अब इस फाइनल बात का जवाब दो, मेरे घर में सीलिंग पे पंखा लगाया, मैंने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही पंखे के पास अल्फा है कि नहीं है? है सर, पॉजिटिव अल्फा है, पॉजिटिव, मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ती है जीरो से कि नहीं बढ़ती है? बढ़ती है, बढ़ रही है सर, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना, है सर, है सर, पहला स्टेटमेंट, ये एंगुलर एक्सेलरेशन उसके पास हमेशा रहेगा या थोड़ी देर के बाद जीरो हो जाएगा? थोड़ी देर के बाद जीरो हो जाएगा, थोड़ी स्पीड पे, थोड़ी देर के बाद पंखे का ओमेगा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। अब मान लो पंखा घूम रहा है, 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 मैंने स्विच बंद कर दिया, क्या कहना चाहते हो? रिटार्ड होगा, ओमेगा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओमेगा कम हो रहा है, अब उसका ओमेगा बढ़ेगा कि ओमेगा घटेगा? घटेगा, तो अल्फा भी घटेगा, ओमेगा घटेगा, मतलब नाउ इट इज एंगुलरली एक्सेलरेटेड या एंगुलरली रिटार्डेटेड? रिटार्डेटेड, एंगुलरली रिटार्डेटेड। क्या तुमको अब फील आया कि अभी नहीं फील आया? फील आया सर, पक्की बात है? हां सर। अच्छा अब इस सवाल का जवाब, हाँ बोलो बेटा सर, पर तो एंगल कैसे कम होएगा सर? पर वो तो एक ही फिक्स पोजीशन में घूमता है ना सर, खाली एक्सेलरेशन तो ज्यादा कम होता है ना। अबे एंगल भी तो कम होता है, जितना एंगल पंखा घूम रहा है पर यूनिट टाइम, वो एंगल भी तो कम होता है कि नहीं होता है? पंखे को मत देखो, पंखे के एक ब्लेड को देखो सर, समझ आ रही बात? पंखे के दो ब्लेड का एंगल बोल रहा है, पंखे के दो ब्लेड के बीच का एंगल तो फिक्स ही रहेगा बेकूदा बेटा, ब्लेड जो एंगल घूम रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, समझ आई बात कि नहीं आई बात? यस सर, जो दो ब्लेड्स के बीच का एंगल है वो चेंज हो रहा है क्या? सोच के बताना बच्चों। नो सर, नहीं सर, वो कैसे होगा? वो तो फिक्स है ना, वो तो 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे होते हैं ना तीनों ब्लेड्स, इतना पता है कि नहीं पता है? हां सर, उतना तो पता है सर। हम किस एंगल की बात कर रहे हैं? हम उस एंगल की बात कर रहे हैं जितना वो ब्लेड घूम रहा है, गेटिंग द पॉइंट? सिंगल ब्लेड का अपना खुद का रोटेशन का एंगल, एग्जैक्टली। आई होप यहां तक आप क्लियर हैं, पक्की बात है? हां सर, चलो मान जाऊंगा अगर तुमने इसका मतलब समझा दिया मुझे, तो बताओ इसका क्या मतलब है, इससे क्या समझते हो तुम? सोच समझ के बोलना, बकवास नहीं करनी है। यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का पहला मतलब, पहला स्टेटमेंट इसका मतलब है, इसे पढ़ के क्या आपको समझ में आता है? ओमेगा बढ़ रहा है? यस सर। ओमेगा यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यूनिफॉर्मली क्या कर रहा है? इंक्रीज करते जा रहा है, यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है, मतलब ओमेगा का जो रेट है वो सेम रेट से क्या कर रहा है? ओमेगा बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो? यस सर, यस सर, जल्दी बताओ यार। हाँ सर, अंते सर, पक्की बात है? हाँ सर, चलो अभी 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 पता चल जाएगा। लो इधर देखो, एक रफ एग्जांपल देख के बताना जरा मुझे, इतनी तुम्हें हवा लगी अभी देख लेता हूँ। ये पॉइंट मान लो टी बराबर जीरो है, चलेगा? हाँ सर चलेगा। ये टी बराबर वन, ये टी बराबर टू, ये टी बराबर थ्री, ये टी बराबर फोर, ये टी बराबर फाइव। चलिए भैया, आपको मैंने ये दे दिया, सपोज अभी रेडियन की जगह मैं डिग्री में दे देता हूँ, 5 डिग्री, यस सर, 60 डिग्री, यस सर, 12 डिग्री, 18 डिग्री, 32 डिग्री। मैं कह रहा हूँ ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। फॉल्स, 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 इट इज नॉट यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है। False. अच्छा, False. पहला सवाल, पहला सवाल, पहला सवाल, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है? पर सेकंड जो एंगल रोटेटेड है वो बढ़ता चला जा रहा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ओमेगा बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय है, इसमें कोई शक है? ओमेगा कॉन्स्टेंट रेट से बढ़ रहा है,
नहीं बोल रहा है. पहले सेकंड से दूसरे सेकंड में जाने पे 2 डिग्री बढ़ा, लेकिन दूसरे से तीसरे में 5 फिर 6. नहीं आई बात समझ में? अच्छा चलो रुक जाओ भी, इसका मतलब बताना था. ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री, ये 5 डिग्री यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन है. एंगुलर एक्सेलरेशन है भी इसके पास कि है ही नहीं? आई एम हैप्पी कि सीख गए आप. अच्छा ये बताओ तो, अरे क्या हो गया इसको, ये 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री. यूनिफॉर्म एंगुलर रैंक क्या आपको दिख रहा है? हर सेकंड में ओमेगा 5 डिग्री से बढ़ जा रहा है. हाँ सर समझ गया. अब भी नहीं आया क्या समझ में? आया सर, आ गया समझ में सर. नहीं समझ सकते तो कोई नहीं समझा सकता तुम्हें दुनिया में. बोलो क्लियर है इतनी बात? यस सर. तो यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है ओमेगा इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट. ओमेगा इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट. अच्छा बताना यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन का क्या मतलब होगा भाई? ओमेगा डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट. किसी प्रकार की कोई समस्या है? नो सर. बहुत अच्छी बात है. यूनिफॉर्म एंगुलर रिटार्डेशन का मतलब हो जाएगा ओमेगा डिक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट. आगे देखिएगा ध्यान से. कुछ टर्म्स हमने और पढ़े थे सर्कुलर मोशन में, उनके बारे में बात करते हैं. सॉरी लीनियर मोशन में जैसे एक टर्म आपने पढ़ा था एवरेज एक्सेलरेशन, याद है आपको? यस सर. यस सर. अरे याद है कि नहीं? यस सर. क्या था एवरेज एक्सेलरेशन? स्पीड फाइंडर माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम. एवरेज एक्सेलरेशन था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम अगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछूं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की बातें करो, इंस्टेंटेनियस तो बिफोर टेलिंग यू द डेफिनेशन ओनली खुद से बताओ फॉर्मूला क्या बनता होगा. अगर लीनियर मोशन में फॉर्मूला था ए बराबर डीवी बाई डी टी तो वी किसमें चेंज हो जाएगा? ओमेगा. और ए किसमें चेंज हो जाएगा? अल्फा. अल्फा. नहीं आई बात समझ में? आ गई सर. मेरे ख्याल से अब तक एनालॉजी आपको समझ में आ रही होगी. बोले हाँ या ना? हाँ सर. और इसका मैं फंडा भी समझा देता हूँ आपको. ये जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन डिफाइन कर रहे हैं अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाई डी टी, ये आपको क्या बता रहा है? ये पूरी जर्नी का एंगुलर एक्सेलरेशन बता रहा है या किसी इंस्टेंट पे बता instant रहा है? इंस्टेंट का बता रहा है. तो इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये बता रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट में डीटी टाइम के अंदर ओमेगा कितना चेंज हो गया है. यस सर. डी ओमेगा से चेंज हो गया. बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डीटी टाइम के अंदर ओमेगा में कितना चेंज है? अगर टाइम इंटरवल बहुत छोटा है बेटा तो ओमेगा का चेंज भी बहुत छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा सर. होगा सर. तो इट मींस फिजिकली मींस, फिजिकली मींस व्हाट? इट मींस फिजिकली दैट एट एनी इंस्टेंट दैट एट ओमेगा चेंजेस बाय डीटी टाइम, डी ओमेगा अमाउंट इन टाइम डीटी. ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? सर इन टाइम डीटी लिखने का जरूरत है क्योंकि आपने इंस्टेंट बोला. हाँ तो बट उस इंस्टेंट पे कितने टाइम में ये भी तो देखना पड़ेगा ना बेटा. उस इंस्टेंट पे आपने छोटा सा टाइम इंटरवल लिया डीटी टाइम इंटरवल. क्लियर है ये बात? हाँ सर. किसी भी प्रकार की कोई समस्या? नो सर. आप बताइए इतना पढ़ने लिखने के बाद बताइए फाइनली लीनियर काइनेमेटिक्स और सर्कुलर काइनेमेटिक्स में कोई खास फर्क है? नहीं सर. नहीं सर. ये एक ही बाप की दो जुड़वा औलादे हैं. एक ही बाप. बताओ बताओ. हाँ सर. दोनों सेम ही टाइम. हाँ सर.
हाँ धीरे धीरे करके, पता है जब धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उतनी भी जुड़वा नहीं है जितनी देखने में दिख रही है। खैर अब एक बात बताओ बेटा, फाइनल कंक्लूजन यहां से, पूरी लीनियर काइनेमेटिक्स में आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाली थी, याद है? यस सर। हां सर। यस सर। इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, वो कब अप्लाई होती थी? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। जब लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। लीनियर बोलोगे बर्ड, बोलो सही है? यस सर। यस। यस। उसी प्रकार से अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन इन सर्कुलर मोशन। इक्वेशंस ऑफ सर्कुलर मोशन, लेकिन याद रखना बेटा ये भी सिर्फ कब लगेंगी? जब अल्फा क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। और इसका बेटा मैं डेरिवेशन आपको बिल्कुल नहीं कराने वाला हूँ, क्योंकि लीनियर का डेरिवेशन कराए थे ना मैंने। हाँ सर। बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आप इसको डिराइव कर सकते हैं, और बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन पे अगर आप डिराइव करेंगे तो आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, ध्यान से सुनिएगा। ये पढ़ा था आपने v बराबर u प्लस at? हाँ सर पढ़ा था। आइए देखते हैं क्या शेप लेगा सर्कुलर मोशन में। v क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी। और u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताना, टाइम लीनियर और एंगुलर में अलग अलग होगा कि टाइम एक ही चीज है? नहीं टाइम तो एक ही चीज रहेगा। ये इक्वेशन जो फॉर्म लेगी वो हो जाएगी ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। समझ आई बात? आ गई सर। आ गई सर। अगर ये समझ में आई तो बताओ सेकंड इक्वेशन चेंज होकर क्या बनाओगे? जल्दी बताओ सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? थर्ड इक्वेशन क्या थी? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये इक्वेशन हो जाएगी ओमेगा माइनस स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा। बोलिए कोई दुख, कोई दर्द, कोई समस्या? नहीं सर। नहीं सर। This is exact analogy of linear kinematics into circular kinematics. इतना आपको याद होना चाहिए। Please, बार बार मैं बोल रहा हूँ ये equation कहीं पे भी मत लगा देना मुंह उठा के। इसको लगाने के लिए necessary condition क्या है? Acceleration constant होना चाहिए। Alpha constant होना चाहिए। Alpha constant होना चाहिए। Angular acceleration क्या होना चाहिए? Constant. Constant. बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? है क्या कह रहे हो बेटा? नहीं सिर्फ इन तीन इक्वेशंस का ही आप वो रखिए, बाकी जो आपको s = u + v / 2 * t बताया था और एक डिस्टेंस एंड nth सेकंड बताया था कि नहीं? हां सर बताया था। उसका रेप्लिका नहीं बनाएंगे अभी, आप पहले तीनों को समझिए। डिस्प्लेसमेंट एंड nth सेकंड एलोसिटी। हां पहले आप इन तीन इक्वेशंस की एनालॉजी समझ लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सर ये हम लोग को लर्न करने का है। हां जी ये हम लोग को लर्न करने का है कि हम लोग मतलब लीनियर से मतलब इक्वेशंस है। हाँ मतलब लर्न करने की जरूरत है कि खुद से दिमाग में आ जाएगा ये चीज? याद हो गई। याद आएगा सर। याद होगा। याद हो नहीं गया? ऑटोमेटिकली याद नहीं हो गया? हो गया सर। सर हो गया। हो गया सर। चलो फिर इधर देखो, फिर जरा ध्यान से सुनना सर, ये डाउट है सर। आप पूछो बेटा, यहीं पे पूछो जल्दी से। सर आपने बोला था सर अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया ये एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है बेटा। सर भाई तो मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन तो हमेशा होगा सर, तो एक्सेलरेशन कैसे जीरो हो जाएगा? तो बेटा मैंने कौन सा एक्सेलरेशन जीरो बोला? एंगुलर। 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 एंगुलर और सेंट्रीपेटल में जमीन और आसमान का अंतर होता है, समझ में आ रही बात? अभी हमने सेंट्रीपेटल वर्ड यूज किया है क्या? नो सर। तो अभी जब पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज डिफरेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिफरेंट। एंगुलर एक्सेलरेशन ये बताता है कि ओमेगा किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब जो एंगल आप घूम रहे हैं वो किस रेट से घूम रहे हैं, उसे घूमने का रेट कांस्टेंट है या उसे इंक्रीजिंग रेट पे घूम रहे हैं या डिक्रीजिंग रेट पे घूम रहे हैं। दैट्स ऑल। बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। ओमेगा कांस्टेंट हुआ तो s equals to v by t लगा सकते हैं? हां बिल्कुल लगा सकते हो। चलो एक बात बताओ, क्या लिखा है मैंने?
फाइनल एनालॉजी इस स्लाइड पे मैं जो जो चीजें लिखूंगा अगर आप सारी चीजों से एग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको बेसिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है वो समझ में आता है। ऐसा होता था क्या? यस सर। ऐसा होता था क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो इसकी जगह आप क्या होना चाहिए? ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाय डीटी। सत्य वचन। सत्य वचन। अरे सत्य वचन। यस 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 सर। ठीक है। ऐसा होता था क्या? हाँ सर होता था। यस सर। क्या हो जाना चाहिए इसकी जगह? अल्फा बराबर डी ओमेगा बाय डीटी। ओमेगा बाय डीटी मतलब अल्फा बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा ही तो हो गया। देखो हाँ सर। अच्छा ऐसा होता था क्या? यस होता था। हाँ सर। बताओ फिर ये रिलेशन किसमें बदलेगा? अल्फा बराबर ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। कोई समस्या है? नहीं सर। कोई है तो पूछो जल्दी से। जल्दी बोलो सर। इसमें नहीं है पर आगे ये अल्फा और ओमेगा में एक जरा सा उनके डायरेक्शन रिलेटेड है। हाँ क्या रिलेटेड है बताओ? ओमेगा की डायरेक्शन तो आपको बताई थी अभी। राइट हैंड घुमाते हैं जिधर थंब आता है वो स्क्रू रूल से। हाँ स्क्रू रूल से। और अल्फा का साइन अभी बताया नहीं है। अल्फा का साइन अभी बताएंगे कैसे लेना होता है। हाँ सर। तो फिर ये जो ओमेगा का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है ना मतलब उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट टेंड होता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें तो परपेंडिकुलर है प्लेन से। हाँ तो बेटा यही फर्क है ना। यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ ओमेगा वेक्टर थीटा प्लेन में है। थीटा इज इन द प्लेन पर ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अरे थीटा तो तुमने प्लेन में लिया है ना यार। यस ये सर्कल है। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? So what if the velocity vector is perpendicular to the plane? Motion also should be perpendicular to the plane. ऐसा नहीं है बेटा। इधर देखो ध्यान से। ये थीटा है कि नहीं है? Yes sir. Yes sir. थीटा तो प्लेन में है। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes sir. लेकिन जो ओमेगा वेक्टर है वो किधर है? Out of the plane. यही तो सिखाया था। Out of the plane है ओमेगा वेक्टर। अब इसीलिए मैंने बोला बेटा सेकंड लेक्चर में बताऊंगा ये थीटा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है तो थीटा की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती है। इन शॉर्ट डायमेंशन जीरो है। हां थीटा इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। प्लीज कीप दिस इन माइंड। आपको आगे चल के समझ में आएगा। हाँ अभी मैं बताऊंगा तो फालतू को कंफ्यूज हो जाओगे। जो छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है डी थीटा जो छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो ओमेगा की डायरेक्शन है। वो भी आउट ऑफ द प्लेन ही होता है वेक्टर। तो वो कैसे होता है क्यों होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। भूल जाओगे उसको। समझ आई बात? ओके सर। धीरे धीरे ना बड़े बनोगे बेटा। ये एनालॉजी जो लिखी है इसमें समझ में आती है बात आपको? हाँ सर आ गई। अच्छा चौथी एनालॉजी में लिख सकता हूँ जो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस थी वो सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? किसी प्रकार की कोई समस्या है? नो सर। नो सर। एनी प्रॉब्लम टिल हियर तो बता दीजिए। बोलो बोलो जल्दी बताओ। नहीं सर। नो सर। अच्छा एक चीज मैंने बताई नहीं बट मुझे लगता नहीं बताना चाहिए था शायद मैंने यहाँ मिस आउट कर गया था मैं। इट गिव्स एन आइडिया एंगुलर एक्सेलरेशन में था। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड स्क्वायर? स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से भी देख सकते हो ना d ओमेगा बाय dt से। d ओमेगा ओमेगा की यूनिट है रेडियन पर सेकंड। टाइम की यूनिट है सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नो सर। बोलो ईमानदारी से बताओ सब क्लियर है? हां सर। यस। हां सर। पक्की बात? यस सर। पक्की बात।
any problem anybody no sir no sir integration no, sir. में भी वैसे ही एनालॉजी लगेगी ना सेम सेम डेरिवेशन बिल्कुल सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होगा जैसे लीनियर इक्वेशन के डेरिवेशंस करते थे हां सर समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है सर चलो बेटा अब यहां से आपकी दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएंगी ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है पोस्टमार्टम ऑफ सर्कुलर मोशन इस पोस्टमार्टम में आपको करना क्या है आपको पहले तो ये समझना है कि सर्कुलर मोशन कैसे होता होगा बॉडी का हाउ सर्कुलर मोशन टेक्स प्लेस फिर उसका मैथमेटिकल प्रूफ समझना है कि जो हम बता रहे हैं वैसा क्यों होता होगा राइट मैथमेटिकली उसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे Everybody, please look into this article very, very carefully because this is a very, very important and very, very complex article. यही circular motion की जान है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। आप एक common sense लगाएं जरा। Kinematics याद है आप सबको? Yes. वहाँ मैंने आपको एक चीज के detail में बात बताई थी कि अगर velocity इस तरफ है और acceleration उसी की direction में है, तो ये इसकी speed को बढ़ा देता है। अगर वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट है तो ये इसकी स्पीड को घटा देता है लेकिन अगर वेलोसिटी ऐसी है और एक्सेलरेशन इसकी क्या है परपेंडिकुलर है तो अब ये एक्सेलरेशन ना इसकी स्पीड को घटाता है ना इसकी स्पीड को बढ़ाता है इसका काम होता है डायरेक्शन चेंज करना कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है इस एक्सेलरेशन का काम क्या होता है वेलोसिटी का क्या चेंज करना सिर्फ डायरेक्शन क्या ये मैग्नीट्यूड चेंज कर पाता है नो सर ये सिर्फ क्या चेंज कर पाता है वेलोसिटी का डायरेक्शन सबको याद है कि नहीं याद है याद है सर थोड़ा सोच के देखो बेटा मान लो यहाँ पे मेरे पास एक बॉडी है कोई दिक्कत नो मुझे इसे किसमें घुमाना है सर्कुलर मोशन में मुझे सर्कल में घुमाना है मैं चाहता हूँ किसमें घूम जाए सर्कल में मैंने इसको ऐसे करके क्या दे दी वेलोसिटी और इधर ही क्या दे दिया एक एक्सेलरेशन मैं कह रहा हूँ सर्कल में घूम जाएगा सही बात है नहीं सर गलत बात है नो सर्कल में घूम जाएगा आगे चला जाएगा लीनियर मोशन करता हुआ लीनियर मोशन करेगा आगे चला जाएगा मोशन करेगा ना और इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी मानते हो कि नहीं मानते हो अब आप समझिए इसको सर्कल में घुमाने के लिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि अगर आपने इसकी वेलोसिटी इधर दी है तो एक एक्सेलरेशन मौजूद होना चाहिए इस डायरेक्शन में यस हां सर यस सर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हां सर होना चाहिए ये एक्सेलरेशन क्या करेगा इसके डायरेक्शन को क्या करेगा चेंज करके जाएगा आप सुनना क्या इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा नो सर नो सर चलो भैया इस एक्सेलरेशन ने काम किया ए से बॉडी को क्या ले आया बी पे सोच के बताना सिर्फ इस एक्सेलरेशन को शुरुआत में ही होना जरूरी है कि हमेशा होना जरूरी है हमेशा हमेशा हर एक इंस्टेंट के लिए आप सोचो इस बात को यहाँ पे इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी कि नहीं होगी यस सर लेकिन यहाँ पे अगर ये वाला एक्सेलरेशन नहीं होगा तो क्या ये सर्कल को कंटिन्यू करेगा कि आप इसी लाइन पे आगे चला जाएगा सोच के बता इसी लाइन में आगे चला जाएगा लाइन से आगे जाएगा नहीं आ रही बात समझ में नहीं सर हमेशा उसके डायरेक्शन को पकड़ के चेंज करने के लिए किसका होना जरूरी है एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन को ऐसे होना पड़ेगा परपेंडिकुलरली मानते हो कि नहीं मानते हो तो एक्सेलरेशन उसके डायरेक्शन को क्या करेगा चेंज करता जाएगा और करेगा और घुमाएगा फिर एक इंस्टेंट आया यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसी हो चुकी होगी कि नहीं होगी फिर से एक्सेलरेशन को इधर होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा तो यही एक्सेलरेशन बार 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 उसके डायरेक्शन को क्या करता रहेगा बेटा चेंज करता रहेगा और किस में घुमाएगा उसको सर्कुलर पाथ में आप सिर्फ हमको इतना सोच के बता दीजिए ये जो पॉइंट मैं बनाने जा रहा हूँ अब इस पॉइंट का नाम बी कर दीजिए
इस पॉइंट का नाम ए कर दीजिए, इस पॉइंट का नाम सी कर दीजिए. अगर मैं सी पॉइंट पे ये वाला एक्सेलरेशन हटा लूं, मैंने हटा दिया एक्सेलरेशन, विल इट कंटिन्यू ऑन द सर्कल? नो, सीधा चला जाएगा. इट विल मूव लीनियरली. या वो इस वाली लाइन पे चला जाएगा? सोच के बताओ. लाइन पे चला जाएगा. उसको सर्कल पे रखने के लिए कौन जरूरी है? एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. डायरेक्शन लीनियर है. एक्सेलरेशन जरूरी है जो वेलोसिटी के क्या होना जरूरी है? Perpendicular. क्या तुमको ये बात समझ में आती है? आती है सर. अच्छा भाई साहब, ऊपर पहुंचे, ऊपर पहुंचे कौन से पॉइंट पे? डी पर. डी पॉइंट पे. डी पॉइंट पे इनकी वेलोसिटी कुछ ऐसी होगी? यस सर. वेलोसिटी इनकी कुछ ऐसी होगी. तो एक्सेलरेशन किधर होगा? नीचे. और परपेंडिकुलर. बोलो, बात समझ में आती है? आती है सर. देखो, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना. ये जो एक्सेलरेशन है ये इसकी स्पीड चेंज कर रहा होगा. ट्रू फॉल्स? फॉल्स. और अगर आपने ध्यान से देखा हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मैंने स्पीड हर जगह वी लिखी है, देख रहा है कि नहीं? यानी कि स्पीड चेंज नहीं हो रही है. तो इस एक्सेलरेशन का काम क्या है? सर्कल में घुमाना. सर्कल में घुमाने की जिम्मेदारी इनकी है. ये बात समझ में आती है? इट इज सिमिलर टू दैट सेंट्रीपेटल फोर्स ना, उसके अंदर. अभी मैंने कहीं वर्ड सेंट्रीपेटल यूज किया है? नो सर. अभी सुनते जाओ बेटा, इस एक्सेलरेशन का काम क्या है ये बताओ. चेंजिंग द डायरेक्शन. सर्कुलर पाथ में रखना इसको, सर्कल में घुमाना. ये बात समझ में आती है? यस सर. आप थोड़ा और सोचो. अगर तुम देखोगे तो इस एक्सेलरेशन की तुम्हें एक बड़ी स्ट्रेंज प्रॉपर्टी दिखेगी. वो ये है, इन सारे एक्सेलरेशन को आगे मिलाओ, इन वेक्टर्स को आगे मिलाओ, ये सारे वेक्टर्स एक पॉइंट पे कट करते हुए दिखेंगे. दिख रहे हैं? यस सर. यस सर. सेंटर पे. और वो पॉइंट बेटा कुछ और नहीं होगा, वो पॉइंट क्या होगा सर्कल का? सेंटर ऑफ द सर्कल. कुछ चमका नहीं चमका? इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, यही सर्कल में घुमा रहा है, और ये एक्सेलरेशन हमेशा सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है. बोलो, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई. इसी एक्सेलरेशन को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर. सेंट्रीपिटल वर्ड आज के बाद कहीं पे भी यूज होगा, उससे आपको एक ही चीज समझनी है, ज्यादा घबराना नहीं है उसको देख के. सेंट्रीपिटल बोले तो टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर. टुवर्ड्स द सेंटर. एज सिंपल एज दैट. क्या आपको इस बात की फील आई कि सर्कुलर मोशन का जो जन्मदाता है, जो कॉज है, जो सूत्रधार है, वो यही एक्सेलरेशन है? Yes. Yes, ये एक्सेलरेशन कहीं पे भी खत्म हुआ, सर्कुलर मोशन वहीं खत्म हो जाएगा. समझ आई बात की नहीं आई बात? ही इज जिम्मेदार फॉर द बॉडी टू मूव इन सर्कुलर डायरेक्शन. पर क्या इसको इतनी ताकत दी गई है बॉडी की स्पीड बदलने के लिए? सुनो ध्यान से, इसका काम क्या है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का? इसीलिए हर जगह मैं काम करता हूँ, इसके साथ एक सफिक्स लगा देते हैं एसी. एसी बोले तो कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं. अब हमारी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से. नेक्स्ट स्लाइड देखो, इधर ध्यान से फिर से देखो. एक सर्कुलर मोशन में ये रहा वी, ये बॉडी घूम के आई सर्कल पे. मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्या मौजूद है? कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल. आपने से कितने लोगों को बात समझ में आती है कि अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि सर्कल में तो ये घूमे ही घूमे, लेकिन साथ साथ इसकी स्पीड भी क्या होती रहे? चेंज होती रहे. तो उस स्पीड को चेंज हम तब कर पाएंगे जब इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो. नहीं आई बात समझ में? और एक एक्सेलरेशन, अगर एक और एक्सेलरेशन आ जाए दहेज में जो वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, अलोंग द टेंजेंट हो, तो वो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल देगा कि नहीं बदल देगा? बदल देगा. बदल देगा. जैसे अभी जो मैंने फिगर दिखाई है, ये फिगर क्या बता रही है? ये स्पीड को कम करेगा, स्पीड को बढ़ा देगा? बढ़ा देगा. बढ़ा देगा. स्पीड को बढ़ा देगा. लेकिन इसी के साथ इसकी जगह अगर एक्सेलरेशन ऐसे मौजूद हो तो
लेकिन स्पीड बदलेगी कि नहीं बदलेगी ये बताओ। तो बेटा ये जो एक्सेलरेशन है जो स्पीड को बढ़ाने और घटाने के लिए जिम्मेदार है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। कुछ भी बकवास नहीं करते हैं बेटा, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल क्यों बोल रहे हैं, समझ में आता है? जरूरी है कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही हो या वेलोसिटी के ऑपोजिट भी हो सकता है? वेलोसिटी के ऑपोजिट भी हो सकता है। अगर वेलोसिटी के अलोंग होगा तो स्पीड को बढ़ाएगा, अपोजिट होगा तो स्पीड को कम करेगा। तो आप बताइए, सोच के तीन सवालों के जवाब दीजिए, इस सर्कुलर मोशन में कुल मिला के कितने एक्सेलरेशन हो सकते हैं? दो। तीन। दो। दो कौन कौन से? स्पीड को बढ़ाने घटाने का काम किसके सर पे है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब एक बार बताओ, मैंने इसकी फिगर बनाई, सोच समझ के बताना, बहुत ही छोटा सा कोई गलती करूंगा मैं, लेट्स सी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि नहीं। इज द फिगर करेक्ट और नॉट? हाँ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है अभी भी, ये है सर, वो टेंजेंट आप मुझे वी लिखना चाहिए यहाँ पे कि कोई और वेलोसिटी लिखनी चाहिए? स्पीड लिखनी चाहिए, अलग लिखनी चाहिए। मैंने लिखा वी नॉट और साथ में आपको ये समझ में आना चाहिए कि वी नॉट अब वी से बड़ा है, बड़ा है, क्योंकि जो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में था, तो स्पीड को बढ़ा रहा होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? फाइनल क्वेश्चन, दिस फाइनल क्वेश्चन विल समराइज योर एंटायर थिंग। इस सर्कल के अंदर कितने एक्सेलरेशन दिखाए मैंने आपको? दो, दो, दो। एक लीनियर मतलब एक सेंट्रिपिटल और दूसरा टेंजेंशियल। सोच के बताओ इन दोनों में से किसका होना मस्ट है और किसके बिना भी तुम्हारा काम चल जाएगा? सेंट्रिपिटल का होना मस्ट है, किसी के बिना नहीं चलेगा। सेंट्रिपिटल के बिना हमारा काम चल जाएगा, सही बात है? नहीं सर, नहीं नहीं चलेगा सर। तुम घुमाओगे किसका होना मस्ट है? सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल का होना मस्ट है क्योंकि वो सर्कल में घुमा रहा है, बोलो आया ना? यस सर। टेंजेंशियल की कोई जरूरत नहीं है, टेंजेंशियल नहीं होगा तो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमेगा, कोई दिक्कत वाली बात है क्या? हां सर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। और अगर टेंजेंशियल होगा तो क्या होगा, उसकी स्पीड बदल रही होगी? नहीं बदल रही है। हां सर, आगे एनी प्रॉब्लम सर? नो सर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एंगुलर एक्सेलरेशन। नहीं बेटा, वजह से चेंज क्यों फालतू कॉन्सेप्ट बना रहे हो बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन? वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। ये फालतू के कॉन्सेप्ट मत बनाओ कि सर टेंजेंशियल को सेंट्रीफ्यूगल बोल दिया, क्योंकि आपके साथ दिक्कत क्या है कि आपने शब्द कहीं कहीं से सुन लिए और आप उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, सारे टर्म्स डिफरेंट है, समझ आई बात? आपको नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा कि दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू अल्फा, दिस इज इक्वल टू आर टाइम्स अल्फा, रेडियस इनटू अल्फा होता है। ये रिलेशनशिप होता है बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। यस सर। कैसे आता है पढ़ाया जाएगा बाद में, भूल जाओ अभी। ओके सर। सर टेंजेंशियल क्या है, रिपीट करोगे एक बार? क्या टेंजेंशियल क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब, अच्छा पहले बताओ वेलोसिटी टेंजेंशियल है कि नहीं है? बोलो। हां सर, हां सर। तो टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है बच्चे, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है कि नहीं है? तो उसका काम क्या लग रहा है आपको, क्या काम दिख रहा है बताओ? अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी बढ़ाएगा। हाँ, तो अलोंग द वो है, तो अलोंग द टेंजेंट अगर वेलोसिटी बढ़ाएगा तो जस्ट टेल मी, वो या तो स्पीड को बढ़ा रहा होगा या स्पीड को क्या कर रहा होगा? घटा रहा होगा। इसलिए अपन ने टेंजेंशियल बोला है। बोलो, बात समझ में आती है? सर इसका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उससे कुछ रिलेशन नहीं है ना, ये अलग से लगता है ना सर? हाँ बेटा, अलग अलग। वो कैसे लगता है, किसकी क्या क्वालिटी, पढ़ेंगे ना अपन नेक्स्ट क्लास में, पहले मतलब तो समझ लो उसका। सर इज इट सेम फॉर एंगुलर वेलोसिटी? व्हाट इज सेम?
हम लोग ने वी लिया तो इट विल बी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन होगा? नहीं बेटा, ये सर्कल के लिए डिफाइंड है। ओके सर, चलिए भैया बताइए फिर। तीन केसेस हो सकते हैं। हाँ बोलो 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 बोलो। तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट? मैंने बोला बेटा ऐसा? नो सर। ओके सर, हाँ बोलो सर। इसमें हम लोग ने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाया तो इसमें जो रेडियस है वो इंक्रीज होते जाएगा क्या धीरे धीरे? नहीं बेटा, सर्कल में घुमा स्पीड बढ़ती चली जाएगी उसकी, रेडियस नहीं बढ़ेगी। रेडियस तो सर्कल की फिक्स होती है। नहीं सर, अगर इसे स्पीड बढ़ती है तो वो थोड़ा बाहर की तरफ जाएगा रेडियस। क्यों बेटा, सर्कल पे इंक्रीजिंग स्पीड से नहीं घूम सकता है? तो फिर वो बड़ा कब होता है? बड़ा नहीं होगा वो, ऐसे घूमना शुरू किया फिर मैं तेज हो गया, फिर मैं और तेज हो गया, फिर मैं और तेज हो गया, और तेज हो गया, तेज तेज घूमने लगा। नहीं यही बात है, मतलब पंखे का एग्जांपल की जैसे ही। तो पंखा देखा है? पंखा देखा है? नहीं देखा है। हाँ सर। तो पंखे पे क्या, पंखे की रेडियस बदल जाती है? नहीं सर। या स्पीड बढ़ जाती है उसकी? स्पीड बढ़ जाती है। समझ आ रही है बात की? नहीं बात समझ में आ रही है। पर सर अगर हम लोग ने जैसे कोई रोप से घुमाया कोई चीज को बांध के, तो अगर स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो टूट जाता है, तो मतलब वो... तो बेटा उसके पीछे दूसरा कारण है कि टूट जाता है, टेंशन इनसफिशिएंट हो जाती है, उस वजह से टूट जाती है रस्सी। जब डायनामिक्स पढ़ेंगे तो सिखाया जाएगा। ओके सर। अभी सर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल बताया है कि सर्कुलर मोशन में रोल क्या है इनका। बात समझ में आ रही है? ओके सर। हर चीज का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है पहले आप वो समझिए, उसकी वैल्यू जब हम बात करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या होती है तब आपको बताएंगे कि ये कांस्टेंट है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी मैंने एक भी जगह बात करी है इसकी वैल्यू के बारे में? नो सर। नहीं सर। बेटा एक चीज याद रखा करो, जब आप क्लास में बैठते हो कुछ सीखने बैठते हो तो फ्रेश माइंड से बैठा करो। ऐसा मत किया करो कि कुछ टर्म्स आपने कहीं पर सुने हुए हैं तो सर इसको यहाँ फिट कर दिया, इसको यहाँ फिट कर दिया। आप अपने कॉन्सेप्ट बनाएंगे नहीं, कॉन्सेप्ट और बिगाड़ लेंगे। समझ आई बात? यस सर। चलिए बताइएगा जरा। हाँ बोलिए बोलिए सर। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रहा है सर, तो सर ऐसे तो मतलब ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ बहुत क्लोज चले जाना चाहिए सर, मतलब वेलोसिटी भी है ना उसके पास टेंजेंशियली, तो अगर सोच के बताओ ऐसे रखा होता ऑब्जेक्ट, ये सेंटर है, चलेगा? यस सर। बॉडी रेस्ट पे होती और सिर्फ ये एक्सेलरेशन होता तो वो बिल्कुल सेंटर की तरफ चली जाती। सही बात है कि नहीं बात है? यस सर। लेकिन उसके पास इधर क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी वो उसे लगातार आगे लेके जाती रहेगी कि नहीं लेके जाती रहेगी? यस सर। तो इसलिए वो सर्कल में घूमता है। समझ आई बात? यस सर। सर केस नंबर वन। हाँ बोलो सर। मतलब वो एग्जाम्पल में से अगर हमने रबर लिया रहता मतलब कोई, तो उसको अगर हम लोग बांध के घुमाते तो धीरे धीरे बड़ा होते जाता, तो वो किसकी वजह से होता है? ऐसे बड़ा नहीं होता है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब मैं डायनेमिक्स पढ़ाऊंगा वहां तक पहुंचोगे तब तो समझोगे। ओके सर। मतलब वो इससे नहीं होता ना, वो एक्सेलरेशन से नहीं होता ना, वो अभी वहां तक बहुत दूर है वो जर्नी बेटा। ओके सर ठीक है। सर्कुलर में आता ना, अभी तुम्हें सेंट्रिपेटल फोर्स का कुछ अता पता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कुछ अता पता है, कैसे समझा दूं तुम्हें अभी मैं? सर ओके सर, जब हम लोग फिजेट स्पिनर घुमाते हैं तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाते हैं ना, क्या करते हैं? सर जब फिजेट स्पिनर घुमाते हैं तो वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगाते हैं ना? नहीं लगाते हैं। देखो फिजेट स्पिनर यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता है आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम, देखा है कभी? क्या वो फोर्स कंटिन्यूअसली लगती रहती है उस पे? नो सर। नो सर। लगा के छोड़ देते हो ना बेटा? यस सर। तो मतलब आपने वेलोसिटी प्रोवाइड करके उसको छोड़ देते हो टेंजेंशियली, तो फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता चला जाता है। समझ आ रही है बात की नहीं? हाँ सर। बताओ फिर मुझे केस नंबर वन।
एसी क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो. एटी क्या है? जीरो. सोच समझ के बताना बेटा, बकवास नहीं करना, सोच समझ के बताना. एसी जीरो नहीं है. एसी जीरो ना होने का मतलब सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन मौजूद है. कोई दिक्कत? यस यस सर. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है. नहीं है. क्या बॉडी सर्कल में घूमेगी? हाँ सर घूमेगी. क्या बॉडी की स्पीड चेंज होगी? नो सर. नहीं सर. तो क्या कंक्लूजन लिखोगे बेटा इसका? कंक्लूजन क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट. सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड. मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर. मानते हैं सर. इसी को बेटा आज के बाद आप किस नाम से जानेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इतनी बात चमकी नहीं चमकी? चमकी सर. चलो बताना तो सेकंड केस. सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं है. क्या कहना चाहते हैं? सर्कुलर मोशन होगा बट स्पीड बढ़ेगा. बढ़े या घटेगा? एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन. मतलब सर्कुलर मोशन होगा और उसका स्पीड वेरिएबल होगा. वेरिएबल स्पीड. मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हैं सर. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसको आज के बाद अपन क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन. ठीक है भाई, इतनी बात भी मान ली तुम्हारी. इस बात का जवाब देना फिर. केस थ्री. लीनियर मोशन है सर. लीनियर मोशन है. सोच के बताओ. ये एक बॉडी थी, इसके पास ये वेलोसिटी है. सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है ही नहीं इसके पास, लेकिन इसके पास कौन सा एक्सेलरेशन है? स्ट्रेट लाइन में जाएगा. ये सर्कल में घूमेगा? सर्कल में घूमेगा? नहीं सर. इसका मतलब आप एक चीज समझ लीजिए यहाँ से. सर्कल में घुमाने के लिए हु इज परम आवश्यक? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन. उसके बिना सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है. नहीं होगा. होता नहीं. टेंजेंशियल इज एन ऑप्शनल चीज. होगा तब भी चाहिए, नहीं होगा तब भी चाहिए. सही है. चाहिए. ये बात समझ में आती कि नहीं आती है? यस सर. कैन यू शो द प्रीवियस स्लाइड? यस. हां अब बताइए, जितनी भी चीज हमने पढ़ी उसका ये जो फाइनल समरी आपके सामने लिखी है, क्या कोई दिक्कत है आपको? नो सर. नो सर. आपको काइनेमेटिक्स पोर्शन समझ में आ गया सर्कल का? हां सर. यस. हां सर. अब बेटा ध्यान से सुनना, ये जो मैंने लिख दिया है ना इतने प्यार से इतनी आसानी से, कि एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल होता है, इसका काम ये होता है, इसका काम ये होता है. हम इसका करेंगे प्रॉपर कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रूफ विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स, लेकिन आज नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है उतना. सिर्फ 10-15 मिनट बचे हैं. नेक्स्ट क्लास के पहले पहले सेशन में मैं कम से कम आपको आधा घंटा 45 मिनट इसका प्रूफ दिखाऊंगा, और इस बात को प्रूफ करके दिखाएंगे कि किस एक्सेलरेशन का काम क्या है, कौन सी चीज क्या कर रही है. Are you getting the point? Yes, sir. Yes, sir. अभी के लिए आप याद रखिए, centripetal acceleration क्या कर रहा है? Body को circular motion कर रहा है. Circle में घुमा रहा है. Tangential वाला क्या कर रहा है? Speed बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? Speed बढ़ाने घटाने का काम उसका है. Any problem? No, sir. ये तीन equations clear हैं, कैसे लिखी गई थी? Yes, sir. ये analogy clear है? Yes. Yes, sir. ठीक है भैया. फिर से बेटा मैं एक बार एक चीज पूछ रहा हूँ बेटा. अभी एसी नेगेटिव पॉजिटिव, एसी नेगेटिव नहीं, एसी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, तो एसी पे कोई साइन हम डिसाइड नहीं करते बेटा. एसी हमेशा वेलोसिटी के क्या है? परपेंडिकुलर है. तो जो डायरेक्शन अपन डिसाइड करेंगे वो टेंजेंशियल डायरेक्शन डिसाइड करेंगे. जैसे एक बात बताओ, अगर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मैंने इस फिगर में दिखाया है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा हो सकता था क्या? यस सर. हां सर. Yes, हो सकता था कि नहीं? रिटार्ड होता था. हो सकता है. तो आप क्या होता? बॉडी की स्पीड बढ़ती घटती? घटती. कैन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट एट अ एंगल लाइक? नहीं बेटा, टेंजेंशियल का मतलब ही क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर टू रेडियस. टेंजेंशियल का क्या मतलब होता है सर? एंगल पे तो बदल जाएगी ना प्योर वेलोसिटी. हां बोलो, इसकी बात समझ में आती कि नहीं? Yes. Yes. चलो फिर मैं फाइनली दो सवाल पूछ लूं,
अब देखो बेटा अभी गलती करोगे, और अगर तुमने दोनों सवाल सही बता दिए दैट मीन्स आपको पूरा लेक्चर क्लियर है। बताइएगा जरा, मैं आपसे कह रहा हूं ये एक बॉडी है, इधर क्या है इसके पास? वेलोसिटी वी। और इधर क्या है इसके पास? एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। और ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के साथ हमेशा कितना एंगल बनाए घूम रही है? थीटा। इस इंस्टेंट पे नहीं, हमेशा हमेशा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल है? थीटा। थीटा। पहला ऑप्शन, ये बॉडी लीनियर मोशन करेगी? नहीं सर। दूसरा ऑप्शन, ये सर्कल में घूमेगी विद अ यूनिफॉर्म स्पीड? नो सर। तीसरा ऑप्शन, ये सर्कल में घूमेगी विद अ डिक्रीजिंग स्पीड? नो सर। चौथा ऑप्शन, ये सर्कल में घूमेगी विद एन इंक्रीजिंग स्पीड? नो सर। फिर से बोलूं सर, ये लीनियर होगा ना सर, ये बस अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, कंपोनेंट वेलोसिटी कंपोनेंट में ब्रेक करेगा, इट विल मूव अलोंग अ कर्व बट नॉट अ सर्कल राइट? यस सर। इट विल, मैंने बेटा क्या बोला, इसलिए आपने मेरे वर्ड नहीं सुने, मैंने बोला हमेशा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल थीटा है सिर्फ, यानी हमेशा यही एंगल है। यस सर, ऑलवेज कंपोनेंट्स में ब्रेक करेगी इसको। तो देखो इधर, इस एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट हो सकते हैं? दो कंपोनेंट हो सकते हैं। दो कंपोनेंट, इधर वाला क्या है? ए साइन थीटा। ए साइन थीटा। इधर वाला क्या है? a cos theta। तो बेटा a sin theta किसका रोल निभा देगा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। किसका रोल निभा देगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो a sin theta इसको सर्कल में घुमाना शुरू कर देगा, और a cos theta का करेगा इसकी स्पीड बढ़ाता जाएगा, स्पीड बढ़ाता चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका मतलब किस में घूमेगा बेटा? सर्कुलर मोशन विद इंक्रीजिंग स्पीड। सर्कल में घूमेगा और इसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाएगी, बढ़ेगी। तो आप फील करिए, तो ऐसे फील कर सकते हैं आप इसको, ये रहा डॉटेड लाइन, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसे करके क्या घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है, इस सर्कल में। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं? विद इंक्रीजिंग स्पीड। यस सर। और इधर क्या बन रहा होगा इसका? Central. और देखो एक चीज समझना, मैं अपनी बात को प्रूव कर देता हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए। थोड़े टाइम के बाद ये यहाँ पे होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। क्या तब इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी कि नहीं होगी? लेकिन मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी के साथ कितना एंगल बनाता हुआ चल रहा है? तो बेटा फिर से अगर सोचा जाए तो यहाँ पे भी तुम बोल सकते हो ना कि इस एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट a sin थीटा सेंटर की तरफ हमेशा रहेगा? हाँ। और a cos थीटा हमेशा किधर रहेगा? v not वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मानते हैं कि नहीं मानते हैं इस बात को? यस सर। दिस इज a sin थीटा एंड दिस वन इज व्हाट? a cos थीटा। cos थीटा। तो अब बताइए थ्रू एंड थ्रू a sin थीटा का काम क्या है? घुमाना, सर्कुलर पाथ में घुमाना उसको, सर्कुलर एक्सेलरेशन, सर्कुलर पाथ में घुमाना। एक और थीटा का काम क्या है? उसकी स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ाना। तो इमेजिन करो जब ये यहाँ होगा इसकी स्पीड v नॉट ही होगी? नहीं सर, v नॉट से बढ़कर v नॉट से और बढ़ के मान लेते कितनी हो गई होगी? v डैश, v प्राइम। हमको उसने बोल दिया, कसम खिला दी कि एक्सेलरेशन कितने एंगल पे ही चलेगा? थीटा पे। थीटा पे चलेगा। तो अगर ये फिर थीटा पे चलेगा तो इसका एक कॉम्पोनेंट इधर दिख रहा है, एक और थीटा की नहीं? और इधर वाला कितना दिख रहा है जल्दी बताओ? a sin theta। तो a sin theta का कांस्टेंट काम क्या दिख रहा है देख के बता? सर्कुलर पाथ में घुमाना। सर्कल पे घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है इसको लगातार? हां सर। एंड व्हाट इज a cos theta डूइंग? इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ। इसकी लगातार क्या कर रहा है बेटा वो? स्पीड बढ़ा के जा रहा है। स्पीड बढ़ा के जा रहा है। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। पक्की बात है? हां सर। चलो दूसरा कहीं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। हाँ बेटा रुक जाओ एक मिनट। अब की मैंने बोला एक बॉडी को ऐसे क्या दी थी मैंने? वेलोसिटी। एंड आई एम सेइंग कि इसका एक्सेलरेशन हमेशा इससे ये एंगल बना के चलेगा। हाँ सर। व्हाट वुड यू लाइक टू से? सर्कुलर मोशन विद डिक्रीजिंग मोशन और डिक्रीज होती रहेगी स्पीड उसकी। ये सर्कल में जाएगा, पक्की बात है? पक्की बात है सर। हाँ सर। और इसकी स्पीड घटती जाएगी, घटती चली जाएगी, पक्की बात है? पक्की बात है।
कोई दुख दर्द कोई समस्या इसमें? नहीं सर। एक्सप्लेन कर पाओगे ऐसा क्यों हो रहा होगा? हाँ सर कर पाएंगे सर। कंपोनेंट्स में ब्रेक किया तो एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट ये आएगा जो किसकी तरह काम कर जाएगा? सेंट्रीपेटल। और ये वाला आएगा जो टेंजेंशियल होगा और वेलोसिटी के अपोजिट है तो स्पीड को क्या करेगा? घटा दे जाएगा, डिक्रीज। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ओके फाइनल केस। ठीक है पिछली वाला स्लाइड बताओ। एक मिनट रुक जाओ। आई एम सेइंग वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन हमेशा ऐसे चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से कांस्टेंट का रहता है एक्चुअल मोशन। एक मिनट, क्या ये सर्कल में घूमेगा? हां सर घूमेगा। हां सर घूमेगा विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड और डिक्रीजिंग स्पीड? यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि यही जो बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया है इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? UCM। UCM बोले तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो भैया बेसिक्स की हवा लगी नहीं लगी? लग गई सर, लग गई सर। सर्कल में किसका क्या काम है वो समझ में आ गया? हाँ सर आ गया। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है। ये रहा सेंटर सी। यहाँ पे क्या स्पीड होगी इसकी? वी नॉट या वी? वी वी होगी। यहाँ पे वी होगी। वी। आई होप इतना चमक रहा होगा। कोई दिक्कत है? नहीं सर नहीं दिक्कत। ये एक्सेलरेशन हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी के क्या लग रहा होगा? परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन लग रहा होगा। और हमेशा किसकी तरफ लग रहा होगा? आई होप यू आर क्लियर विद दिस। एनी प्रॉब्लम? नो सर प्रॉब्लम। प्लीज टेल मी कोई दिक्कत है पूछ लीजिए। सर अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक ही पॉइंट पे लग रहा है तो वेलोसिटी से उधर ही इंक्रीज होगा? हां बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जैसे मान लो एक जगह लग रहा था और बाद में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगना बंद हो गया तो जब तक लग रहा था तब तक तो स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा? मानते हो कि नहीं? Yes, तो जब लगना बंद हो गया तो उसके बाद स्पीड और बढ़ेगी कि वहां से कांस्टेंट हो जाएगी? वहां से कांस्टेंट हो जाएगी एक रोटेशन के बाद। मतलब अच्छा एक पॉइंट पे लग रहा हो? हाँ सर एक पॉइंट। हाँ तो मतलब फिर आप ऐसे बोलोगे कि जितनी बार वो उस पॉइंट को क्रॉस करेगा उतनी बार उसकी स्पीड में क्या मिलेगा? उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, उसको इंक्रीमेंट मिलेगा। बोलो बात समझ में आती कि नहीं आती? हाँ सर आती है। हाँ जी ये रही प्रीवियस स्लाइड। Yes. सर एक ब्यूटी का डाउट है। हाँ जी उसके पहले वाली स्लाइड भी एक बार देखो। ये रही उसकी पहले वाली स्लाइड। हाँ सुमेध आई विल सेंड यू द डाउट ग्रुप लिंक, डोंट वरी। सर आपको एनएलएम का सब भेजोगे या स्क्रीनशॉट्स? एनएलएम के भेज तो दिया। अच्छा लास्ट लेक्चर के रहेगा उनके भेज दूंगा मैं। हाँ भैया आप बताइए अब भी कोई दिक्कत कोई दुख दर्द समस्या है? सर टीडब्ल्यू ना ये फिगर समझ में आती है? अरे ये फिगर समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। फिर बताओ ये बात समझ में आती है? ये फिगर समझ में आती है? हाँ सर। यस सर। टेंजेंशियल का रोल और सेंट्रिपेटल का रोल समझ में आता है? हाँ सर। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा तो कैसे केस बनेगा? सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बेटा जब हम वैल्यू पढ़ाएंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अगर स्पीड बढ़ रही होगी तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा होगा। ओके सर। तो कैसे बढ़ रहा होगा वो नहीं? हाँ वही नेक्स्ट क्लास में मैथमेटिकल पोस्टमार्टम कराएंगे इसका, वहां दिखाएंगे आप। अभी जो मैंने आज ये हेडिंग डाली है तो उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा ना सर्कल में रखने। मतलब एक चीज बताओ ना यार तुम सोच के थोड़ा सा फील ले लो, थ्योरेटिकली फील ले लो, थ्योरेटिकली फील ले लो। एक बॉडी है वो हल्की स्पीड से चल रही है और तुम्हें उसे क्या करना है? तुम्हें सर्कल में घुमाना है तो तुम तो जो एक्सेलरेशन या फोर्स लगा रहे हो वो उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हो। मानते हो कि नहीं मानते? मानते हैं। नहीं आई बात समझ में? आ रही है सर। तो तुम सोच के बताओ पहले क्या है, एक बॉडी है बहुत धीरे 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 चल रही है तो तुम कम फोर्स पे भी उसका डायरेक्शन चेंज कर लोगे कि नहीं चेंज कर लोगे? कम फोर्स। लेकिन वो बॉडी बहुत तेज दौड़ना शुरू कर दे और तुम्हें उसका डायरेक्शन चेंज करना है लगातार सर्कल में रखना उसे तो तुम्हें उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे ज्यादा लगानी पड़ेगी सर। सेंटीमीटर तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ज्यादा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा ना उसका डायरेक्शन लगातार चेंज करने के लिए। हां सर। नहीं तो वो सर्कल में रहेगा कि सीधे भाग जाएगा? सोच के बताओ। सीधे भाग जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। इसका मतलब रिलेट करो, रिलेट करो। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद है तो स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हाँ सर बढ़ रही है सर। जितनी स्पीड बढ़ रही है उतना उसे सर्कल में रखना और मुश्किल होते जा रहे हैं तो उतना ही सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को भी क्या होना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यही चीज मैथमेटिकली आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाई जाएगी। समझ आ रही है बात? ओके सर।
बोलिए अभी भी कोई डाउट है प्रोजेक्ट कैसे गए इसमें स्टार्टिंग फर्स्ट 2 3 एक एक करके बोलिए हां बोलो बेटा सर प्रोजेक्टाइल के केस में वो थीटा चेंज होते रहता है ना तो इसके लिए सर्कुलर नहीं जाता एग्जैक्टली प्रोजेक्टाइल में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल हमेशा 90 रहता है नो सर नो सर और सर या चेंज होता रहता है सर ये चेंज होता रहता है चेंज होता रहता है ना यार देखो थोड़ा सा फील दिला देते हैं अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल हमेशा 90 रहता तो मोशन पैराबोलिक होता कि सर्कल होता सर्कल होता लेकिन आप देखो जरा प्रोजेक्टाइल में फील करो यही तो होती है प्रोजेक्टाइल हां सर ये रहा यू एक्सेलरेशन तो इसमें एक ही होता है कौन सा जी जी तो यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में ये एंगल है थोड़े टाइम के बाद देख थोड़े टाइम के बाद सेम एंगल होगा कि एंगल घट जाएगा कम हो जाएगा फील करो हाईएस्ट पॉइंट पे 90 हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे सर्कुलर हो सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है वो 90 डिग्री या थ्रू आउट 90 है हाँ बेटा अभी बताएंगे सुनो तो सही हाईएस्ट पॉइंट पे 90 है कि नहीं है हाँ जी उसके बाद 90 है कि 90 से और घट जाता है 90 से कम हो जाएगा उसके बाद और क्या हो जाता है और कम होते जाता है और फाइनली अगर ये एंगल कॉन्स्टेंटली 90 मेंटेन कर देता मैं तो क्या होता भाई सर्कुलर पाथ फॉलो करता वो सर्कल में जाता वो नहीं जा रहा ना सर्कल में इसलिए नहीं जा रहा सर ऐसे केस में जी और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो सकता है जी और तो बेटा लीनियर मोशन नहीं हो जाएगा बेटा हां हां सर लीनियर होगा फिर जमीन के अंदर चला जाएगा सर जैसे एसी कोई मतलब जैसे वो घूम रहा है मतलब टेंजेंशियल वेलोसिटी लग रही है और फिर वो फास्ट हो रहा है तो मतलब तब भी एक्सेलरेशन जो सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है वो एंगल पे लगेगा मतलब रेडियस उसका बड़ा हो जाएगा ना सर्कल का बस हां रेडियस भी बड़ा हो जाएगा गधे रेडियस वही है इसको ऐसे इमेजिन करो थोड़ा सा फील लेना है तो ऐसे फील कर लो बाकी नेक्स्ट क्लास में ये चीज मैं सिखाऊंगा ही तुम्हें मैथमेटिकली मान लो बेटा तुम्हारे तुम यहां खड़े हुए हो चल जाएगा यस सर तुम्हारे हाथ में क्या एक रस्सी चल जाएगा हां सर और रस्सी से मैंने बांध दिया एक भैंस कोई दिक्कत नो सर या बकरी या जो भी है और इस भैंस को किस में घुमाना है तुम्हें तुम्हारा टास्क क्या है इस भैंस को सर्कल में रखना है बोलो हाँ या ना हाँ सर सोच के बताना पहले ये भैंस धीरे धीरे चल रही है कैसे चल रही है धीरे 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 तुम्हें कितना जोर लगाना पड़ेगा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा रस्सी कम जोर लगाना पड़ेगा सोचो अब इस भैंस को चढ़ गया गुस्सा और भैंस ने अपनी स्पीड क्या कर ली बड़ा दी तो अब तुम्हें रस्सी को ज्यादा टाइटली खींच के रखना पड़ेगा कि नहीं ज्यादा फोर्स तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो जितना ज्यादा फोर्स तुम लगा रहे हो इसका मतलब तुम रस्सी की क्या बढ़ा दे रहे हो टेंशन बढ़ा दे रहे हो सर इसमें जैसे सुन ले पहले अब क्या ये टेंशन की फोर्स टुवर्ड द सेंटर लग रही है यही फोर्स उसको एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगी न्यूटन्स लॉ से कि नहीं वही एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा अब भी नहीं लगी हवा ना सर जैसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं बढ़ाते तो फिर रेडियस बढ़ाएगा हाँ अब जैसे मान लो पहले भैंस क्या चल रही थी धीरे 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 चल रही थी तुमने रस्सी को एक पर्टिकुलर फोर्स से रोक रखा था बोलो मानते हो कि नहीं मानते हो मानते भैंस ने अपनी स्पीड बढ़ा दी पर तुमने अपनी फोर्स नहीं बढ़ाई स्टेटमेंट वन भैंस अभी भी सर्कल में घूमती रहेगी स्टेटमेंट टू भैंस सर्कल छोड़ के बाहर निकल जाएगी उसको उसी सर्कल में रखने के लिए आपको अपनी फोर्स को क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा अभी समझ में आ रहा है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है बालकों आ रहा है समझ में नेक्स्ट क्लास में इसका डिटेल्ड पोस्टमार्टम करेंगे समझ आई बात नहीं सर जब सर्कल के बाहर जाएगी बट वो भी बाहर जाके सर्कल में चलेगी ना हाँ बेटा बाहर जाके सर्कल में क्या चलेगी वो किसी कर्व में चलेगी और अभी आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाया जाएगा कि कोई भी जो कर्व होता है ना कर्व का हर पॉइंट अपने आप में एक सर्कल का हिस्सा होता है ओके सर बात समझ में आ रही है हाँ सर अभी ये बात बहुत ऊपर से जा रही है पर ये सर्कुलर मोशन का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है देखो इधर मैं आपको सिखाऊंगा इन द लास्ट लेक्चर ये कर्व है अगर आप ध्यान से देखें तो इस कर्व का हर पॉइंट अपने आप में तो किसी सर्कल का हिस्सा होगा कि नहीं होगा होगा सर अरे बोलो ये बात चमकी कि नहीं चमकी यस सर कोई ना कोई तो सर्कल का हिस्सा होगा ही
इस कर्व का हर पॉइंट किसका हिस्सा होगा बेटा? एक एक सर्कल का हिस्सा होगा, एक सर्कल का हिस्सा होगा। यहाँ सर्कल कैसा बनेगा? ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ सर्कल ऐसा बनेगा। वही बनेगा कि नहीं बनेगा? इस कर्व का हर पॉइंट एक सर्कल का हिस्सा है कि नहीं है? और उस सर्कल की रेडियस फिक्स है कि रेडियस चेंज हो रही है लगातार? हो सकती है, देख के बताओ। जैसे हो रही है चीज, अरे यार कॉमन सेंस, चलो तुमको थोड़ा सा ये फील और करा देते हैं। चलो ऐसा कर बनाओ, ऐसा कर बनाओ। मान लो एक कर्व ऐसा है, फिर ये कर्व ऐसा हो गया, समझ आई बात? हाँ। ट्राई टू फील दिस, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट ए, ये तो अगर मैं कर्व बनाऊं तो इस सर्कल का हिस्सा है कि नहीं है? है, है। ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा ना बेटा? हाँ सर, नीचे बनेगा। बोलो फील कर पाए कि नहीं कर पाए? कर पाए सर। एक सर क्वेश्चन था कि रुक जाओ बेटा, ये जो पॉइंट बी है ये उतने छोटे सर्कल का हिस्सा है कि बड़े सर्कल का हिस्सा है? बड़े सर्कल का हिस्सा, बड़े सर्कल का हिस्सा। तो रेडियस सेम है कि रेडियस चेंज हो रही है? चेंज हो रही है, चेंज हो रही है सर। कर्वेचर पे डिपेंड करता है कि रेडियस कहाँ पे बड़ी होगी और कहाँ पे छोटी होगी। छोटी होगी, पढ़ेंगे। दिस इज द सिक्स्थ लेक्चर, सबसे लास्ट लेक्चर में यही पढ़ना है। ओके सर, चलिए भाग जाइए। हाँ बोलो बेटा। अभी जो हम कर्व डायग्राम में देख रहे थे ना सर्कल पॉइंट्स पर जो क्रिएट हो रहा है, तो हम पॉइंट साइज जब लेंगे तो सर डायरेक्शन मैटर नहीं करेगा ना? मतलब फिर से बोलो बेटा। तो फिर मतलब अभी ये ए और बी जो पॉइंट है, अगर पॉइंट साइज तो उतना बड़ा कर्व भी होगा तभी उसी सिंगल पॉइंट का एकदम छोटा सर्कल भी हो सकता है ना? फैमिली ऑफ सर्कल्स हो सकती है। हाँ वही सर, फैमिली ऑफ सर्कल्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो उसका रेशियो में जो लेंगे अभी ये बड़ा सर्कल आएगा तो वो थोड़े पॉइंट्स आजू बाजू के कंसीडर करके वो बड़ा बन रहा है, ऐसे होगा ना? बिल्कुल 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 करेक्ट। यस सर। हाँ बोलो सर। सर आपने कहा था एनएलएम में हम रॉकेट वाले क्वेश्चन दिए पढ़ेंगे सर, वेरिएबल मास सिस्टम ना? हाँ मास चेंज होगा उसमें, सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास में पढ़ेंगे। ओके सर। सर फ्राइडे का रिकॉर्डिंग भेज देना, फ्राइडे का रिकॉर्ड रात को लिया था, दिया था। अच्छा जो रात में हुआ था वो भेज, ठीक है करेक्ट। चलो हाँ भाई एक मिनट, आपके ग्रुप का एडमिन कौन है? आप ही हो। जेनिथ 4 का एडमिन कौन है? मैं ही हूँ। अरे मैं ही हूँ क्या? अरे यस सर। यस क्या कोई और एडमिन है? यू सर, ऐसा लगता नहीं है मुझे। Yes sir, you are it. Are the admins? Ben not an admin. How you saying on? Ben Zenith 5. Yes. अच्छा मैं ही एडमिन हूँ भाई। सर जेनिथ क्यों के आप ही हो? आई के भी आप ही हो। तो बेटा सुमेध, ये मेरा नंबर है बेटा। हाँ सर। इस पे मेरे को मैसेज कर दे, मैं तेरे को ऐड कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? Yes, 7302111859, ठीक है? Yes, sir. TWD में छोटा सा डाउट था। हाँ बोलो बेटा, छोटा सा डाउट क्या था? सर उसमें मतलब एक था, मतलब उसमें प्रोजेक्ट